नमस्कार, रीजनिंग की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। डाइस हमने पढ़ लिया था, ठीक है, उससे रिलेटेड मैंने प्रैक्टिस सेट आपके ग्रुप में दे दिया था। जो बच्चे हमसे जुड़े थे आपके पीडीएफ सब्सक्रिप्शन प्लान के तहत, उनको हमने जो है प्रैक्टिस सेट दे दिया है, उस पर आप प्रैक्टिस कर लीजिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला। आज नया चैप्टर शुरू करेंगे ब्लड रिलेशन UP SSSC में। इसमें हर एक एग्ज़ाम में आप जब देखोगे तो 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछता ही पूछता है। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूँ कि जो आपका 10+ कोर्स है उसके 3 मंथ पूरे हो गए हैं। जो बच्चे रिन्यू कराना चाहते हो, आप परीक्षा प्लस ऐप से वहाँ पे लगा हुआ है 10+ कोर्स Phase 2 के नाम से, आप वहाँ से रिन्यू करा सकते हो। और जो भी आपसे क्लासेस आपके 15 तारीख से स्टार्ट होंगी, क्योंकि 15 तारीख को आपका पूरा हो जाएगा वो, तो 15 के बाद से जो भी आपके क्लासेस होंगे उनके PDF होंगे, वो आपको Phase 2 के अंतर्गत मिलेगा। और जो बच्चे प्री क्वालिफाई कर चुके और मेंस की तैयारी कर रहे हो, लोअर मेंस की, उनके लिए हमारी टीम द्वारा ये 2 प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। एक तो आपका फुल कोर्स है, दूसरा आपका टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है। फुल कोर्स के अंतर्गत आपको टोटल जो है 25 फुल लेंथ टेस्ट, 75 सेक्शनल टेस्ट, ठीक, प्लस आपके सभी सब्जेक्ट के वीडियो कोर्सेज मिलेंगे। और आपका जो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है उसमें आपको 25 टेस्ट प्लस उसके सब सॉल्यूशन PDF आपको, प्लस उसके साथ कुछ हर एक सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट एक्सेस बोला जाए डाटा जो है आपको PDF के फॉर्म में दिया जाएगा। तो जो बच्चे इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, अपनी एक सीट पक्का करना चाहते हैं मेंस में, वो जल्दी से रजिस्ट्रेशन करा लें। बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं है, बहुत कम फ़ी है। आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से, और वहाँ पे जाकर दोनों कोर्स लगे हुए हैं जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना हो उसे रजिस्टर कर लें। तो सेशन में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज हम जो देखेंगे अपना वो ब्लड रिलेशन का है चैप्टर हमारा है आज। ब्लड रिलेशन, ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है 2 से 3 UP SSSC में। UP SSSC अब डिपेंड करता है कि भैया आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कैसे कितने हैं। जहां 30 क्वेश्चन होंगे तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन बढ़ेगा। जहां 25, मैंने ये स्टैंडर्ड बताया कि 25 क्वेश्चन, जैसे आपका लोअर प्री हुआ था, लोअर प्री में 25 क्वेश्चन था रीजनिंग का, तो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, किसी किसी में 4 भी थे, ऐसा नहीं था। मगर जो तीसरा दो बढ़ता है वो डिपेंड करता है कि आपके किसी में किसी और पोर्शन को कम कर देता है तो इसको ज्यादा कर देता है। मगर ऑन एवरेज देखा जाए तो 2 से 3 क्वेश्चन, जिसमें से एक क्वेश्चन किसी पेपर में जो है, जहां 3 क्वेश्चन पूछा था वहां पे एक क्वेश्चन डाटा सफिशियंसी से पूछ दिया, डाटा सफिशियंसी में आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन डाल दिया, और 2 आपके जनरल क्वेश्चन रहे तो वहां पे 3 क्वेश्चन पूछा था। जिस पेपर में 2 क्वेश्चन पूछा था वहां डाटा सफिशियंसी से क्वेश्चन नहीं था, उसमें एक कोडेड ब्लड रिलेशन था और एक आपका सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। आपका एक सिंपल जो है ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन होते हैं पॉइंटिंग फॉर्म या पजल फॉर्म से, उससे था, ठीक। तो ये आपके UP SSSC में इसके वेटेज हैं कि कहाँ से अच्छा खासा वेटेज है। 3 क्वेश्चन कम नहीं होता है, क्योंकि 3 क्वेश्चन आपके एकदम हो बहुत सही हो गए। एक तो कोडेड आता है, उसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना है, जैसे पूछा वैसे उसे कोड करके। अगर रिलेशन वाला पूछ रहा है कि आपको रिलेशन दिया है, इक्वेशन पूछ रहा है, तो आसानी से कर ले जाओगे। अगर आपको इक्वेशन दिया है, रिलेशन निकालने के लिए पूछ रहा है, तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, पूरी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया रहता है, तो वहां से भी आप कर सकते हो, ठीक, आसानी से वो क्वेश्चन। बाकी जो आपके एक क्वेश्चन आपका जो पॉइंटिंग फॉर्म और पजल फॉर्म वाला बनता है, उससे तो आप लोग फैमिलियर हो, क्योंकि ये ब्लड रिलेशन चैप्टर ही आपके फैमिली से रिलेटेड है, ठीक। तो फैमिली से रिलेटेड चैप्टर है, तो इसमें आपको कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि आपको रिलेशन निकालने में अपने पापा, अपने चाचा, अपने मामा, मामी, चाची, इन सब का रिलेशन निकालने में आपको कठिनाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुरंत आप सोचो कि आप ही उस जनरेशन के हो जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अपने आप पर लागू कर लो, तुरंत आंसर आ जाएगा। जहां पे ऐसा दिक्कत हो खुद सोच लो कि जहां वो बात कही जा रही पॉइंट करके, वो अपने आप को सोच लो और अपने आप से ही रिलेशन निकालते जाओ कि हाँ मेरे मामा, ठीक, तो मेरे मम्मी के भाई, ठीक, वहां से उनके जो पिताश्री मतलब नाना। तो ऐसे जब रिलेशन निकाल लोगे ना, तो ये चैप्टर आसान लगने लगेगा, ठीक। इसीलिए इसे फैमिली रिलेटेड आपको चैप्टर बोला जाता है। अब ब्लड रिलेशन में आपसे जो क्वेश्चन का फॉर्मेट बनता है, क्वेश्चन टाइप जो बनता है, एक बनता है आपका पजल फॉर्म में, और ये जो UP SSSC पजल फॉर्म में क्वेश्चन पूछता है वो बहुत लंबा बैंक की तरह नहीं पूछता, छोटा सा पजल रहेगा,
दो या तीन लाइन का। बैंक में तो पजल मतलब हो जाता है, लंबा सा पजल कर देगा, प्लस उसी में ब्लड रिलेशन के साथ साथ अरेंजमेंट दे देता है, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट दे देगा, मतलब आपके दो से तीन डायमेंशन में पजल के क्वेश्चन पूछ लेता है वो। मगर ऐसा यहाँ यूपीटर प्लस सी में नहीं होने वाला, इससे निर्भर रहो, ठीक। तो ये पजल से आपका क्वेश्चन बनता है। दूसरा आपका बनता है पॉइंटिंग फॉर्म से। पॉइंटिंग फॉर्म मतलब किसी की ओर संकेत करके, कोई आपका फोटो है, कोई आदमी जा रहा है, कोई किसी से संकेत किया कि वो लड़का जो है मेरे बुआ के लड़के का जो है भाई जो है उनके लड़का है, तो ऐसा कुछ जो है आपका रिलेशन बोला जाए पॉइंट करके, तो पॉइंटिंग फॉर्म में आता है। और थर्ड जो बनता है वो कोडेड फॉर्म में होता है, कोडेड ब्लड रिलेशन, ठीक है। कोडेड ब्लड रिलेशन में आपका दो टाइप बनता, मैंने बता दिया कि इसमें क्या होता है बच्चों, कि इन्फॉर्मेशन दिया होता है आपको, किसी भी सिंबल से किसी भी रिलेशन को कोड किया जाएगा, लिख दिया जाएगा ए प्लस बी, बोल दिया जाएगा ए प्लस बी का मतलब होता है ए बी का पिता है, और वहीं पे आपसे आगे वाला क्वेश्चन पूछ देगा पी प्लस क्यू माइनस ऐसे करके। तो ये पी प्लस क्यू मतलब यहाँ प्लस का मतलब साइन लगा है, तो वो रिलेशन पहले आपको दे रखा है आपके क्वेश्चन में, उसी रिलेशन का यूज करके आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना होता है और रिलेशन निकालना होता है। दूसरा आपका रिलेशन दिया रहता है और बताना होता है कि आपको कौन सा इक्वेशन उस रिलेशन को फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये दो टाइप के इसमें बन जाते हैं। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे पजल और पॉइंटिंग फॉर्म, अगले सेशन में हम कोडेड ब्लड रिलेशन की बात करेंगे, ठीक है। आपका एक क्वेश्चन इस एग्जाम में यूपी ट्रिपल एससी के आप मेंस देने जा रहे हो, तो उसमें एक तो इससे मानो फिक्स है, क्योंकि देखो इसका वेटेज तो 25 ही क्वेश्चन का है, प्री में भी था 25 क्वेश्चन का, मेंस में भी 25 ही क्वेश्चन का है। वेटेज जिसका बड़ा है बच्चों वो है मैथ्स साइंस जीएस, ठीक है, बाकी इसका वेटेज आपका और हिंदी का वेटेज सेम है, तो कहीं ना कहीं इसके लेवल में थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, मगर ये नहीं जरूरी कि इसमें बहुत ज्यादा हार्ड होगा। जैसे आपका प्री आया था हूबहू वैसे ही मेंस का भी होगा, ठीक है, रीजनिंग का सेक्शन उसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होगा, हो सकता है 5% आपका जो टफ था रीजनिंग प्री में वो हो सकता है 7% हो जाए, बस इतना ही अंतर हो सकता है। वो टफ और हार्ड कुछ नहीं होता रीजनिंग में, मेन होता है आप कैच उस समय कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, प्रैक्टिस किए हो या नहीं किए हो, क्योंकि आपका मेनली रीजनिंग किस पे डिपेंड करता है, आपके माइंड पे डिपेंड करता है, मानसिक क्षमता पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आज हम जिस पे बात करेंगे वो है आपका क्या, पजल और पॉइंटिंग फॉर्म। तो देखो ब्लड रिलेशन में, ठीक है, आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो फैमिली ट्री से, मैं बताऊंगा कि आप फैमिली ट्री बना लो, ठीक। फैमिली ट्री बनाते ही आपको पूरा का पूरा रिलेशन जो है आपके सामने आ जाएगा। ट्री मतलब कि आप हुए, आपके पापा हुए, आपके जो भाई बहन हुए, चाचा हुए, मामा हुए, सबके ट्री एक बना लो, तो खुद ही जान जाओगे कि यहाँ कैसे रिलेशन निकाला जाए। तो एक बात तो याद रखना कि इसको सॉल्व करने के लिए फैमिली ट्री इंपॉर्टेंट है, ठीक। दूसरी बात आपको ये आना चाहिए कि जनरेशन गैप पहचानना आना चाहिए, ठीक, कि किस जनरेशन की बात की जा रही है। और थर्ड आपका जेंडर आपको पहचानना आना चाहिए कि मेल है या फीमेल है, ठीक है। अगर ये बात सब पहचान गए तो रिलेशन आराम से निकाल ले जाओगे, इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके कुछ डिनोशन है जो मैं आपको बताऊंगा ग्राफ में, जो फैमिली ट्री हम बनाएंगे, फैमिली ट्री जो हम बनाएंगे उसमें कैसे कैसे हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे वो ध्यान रखो। रिप्रेजेंटेशन ये है बच्चों कि देखो प्लस से हम डिनोट करेंगे मेल कैंडिडेट को, माइनस से डिनोट करेंगे फीमेल कैंडिडेट को, और ये डबल एरो वाला ऐसे जब होगा ना तो इसका मतलब होगा मैरिड कपल, ठीक है, मैरिड कपल को हम डिनोट करेंगे, और जहां ऐसे सिंगल होगा और दोनों तरफ एरो होगा तो समझ लो ये आपके क्या होंगे, ये आपके ब्रदर सिस्टर होंगे, ब्रदर या सिस्टर या कजन कुछ भी आपके होंगे, ठीक, ये आपका हो गया। और ये जो डिनोट करेगा ऐसे नीचे की तरह एरो, तो ये आपको बताएगा जनरेशन वाला बात, क्या बताएगा, जनरेशन, कि कौन सी जनरेशन ऊपर है कौन सी जनरेशन नीचे है। तो जनरेशन की बात करें तो हम मेनली तीन जनरेशन की बात करते हैं, एक तो हमारी जनरेशन हो गई, ठीक है, जहां पे हम लोग हैं एक तरह से बात करें, ठीक है, सन और डॉटर वाली अपने ऊपर अगर ले लेते हो तो,
इससे ऊपर वाली जनरेशन, देखो ये मैंने बनाया एरो, तो ये नीचे वाली सबसे नीचे वाली जनरेशन है, उसके बाद इससे ऊपर वाली जनरेशन आपके मम्मी पापा चाचा चाची उनका आएगा, ठीक है, आपके मामा मामी सबकी जनरेशन आएगी, आप लोगों की जनरेशन है। ऊपर वाली जनरेशन आपकी हो जाएगी फादर और मदर वाली, ठीक। इसके जस्ट ऊपर वाली जनरेशन कौन हो जाएगा, आपके ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर वाली जनरेशन, ठीक। ये तीन जनरेशन की बात हो गई, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर वाली, फादर और मदर वाली, और ये आप लोगों की जनरेशन है। मेनली हमें इस तीन जनरेशन पर चलेंगे। अब कहोगे सर चाचा चाची मामा मामी वो कहाँ चले जाएंगे, अरे भैया चाचा चाची होंगे तो वो किसके किस जनरेशन के होंगे, आपके चाचा किस जनरेशन के होंगे, आपके पापा के तो जनरेशन के होंगे, तो आपके अंकल आंट बुआ है, मामा मामी जो भी आ गए तो मदर साइड में आ जाएंगे, आपके जो मामा होंगे, ठीक, तो इस साइड में मतलब ये आपके सेकंड जनरेशन के होंगे। नाना नानी कहाँ चले जाएंगे, नाना नानी आपके कहीं ना कहीं आपके मदर के जो है फादर मदर होंगे, तो वो भी कहाँ चले जाएंगे, थर्ड ऊपर वाले जनरेशन में, सबसे ऊपर वाले जनरेशन में चलेंगे चले जाएंगे। तो ये मेनली जनरेशन, अगर आप जनरेशन पकड़ लिए और प्लस आप जेंडर को पकड़ लिए कि किसका कौन सा जेंडर है, क्वेश्चन में कैसे डिनोट कर लिए, तो आप क्या करोगे आंसर निकाल लोगे। तो मेनली जो है आपको ये साइन देख लो, प्लस का मतलब मेल, माइनस का मतलब फीमेल, डबल एरो मतलब मैरिड कपल, और सिंगल एरो मतलब ब्रदर और सिस्टर, और जहां ऐसे डाउनवर्ड की तरह हो तो समझ लो वो जनरेशन की बात कर रहा है। जैसे मैं एग्जांपल एक बताऊं आपको, बोलूं कि ए जो है बी का क्या है फादर है, ए जो है बी का फादर है। अब इसे फैमिली ट्री में कैसे डिनोट करेंगे, सिंपल सा है ये एक स्टेटमेंट, ए बी का फादर है, तो ए बी का फादर है तो हम डिनोट करेंगे। तो पहले काम की जेंडर हम किसका देख रहे हैं कि हमें पता चल रहा है इस स्टेटमेंट से, किसका जेंडर क्लेरिफाई हो रहा है, किसके बारे में बात किया जा रहा है। बोला ए बी का फादर है, ठीक है, तो ए बी का फादर है तो किसका जेंडर क्लियर हो रहा है, ए का जेंडर क्लियर हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये फादर है तो इसका जेंडर क्लियर हो रहा है, इसका मतलब यहां पे हम प्लस लगा देंगे। ए बी का फादर है इसका मतलब ए जो होगा ऊपर होगा, उसके ऊपर वाली जनरेशन में होगा, और नीचे उसके जस्ट जनरेशन में कौन होगा, वो होगा बी होगा, ठीक है। तभी तो हम कह सकते हैं कि ए जो है, देखो बी का क्या है फादर है, अब इसके ऊपर कोई होता तो उसके इसके बी के क्या हो जाते हैं, ग्रैंड फादर हो जाते हैं, ठीक। तो इस जनरेशन समय दो जनरेशन मिला, ये तो आपके फादर वाली जनरेशन हो गई, ये आप वाली जनरेशन हो गई। तो ए जो है बी का फादर है तो इससे क्या क्लियर हुआ कि ए का जेंडर क्लियर हो गया कि ए जो क्या है मेल कैंडिडेट है, मगर बी का जेंडर इससे नहीं क्लियर हो पाया। तो ये कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, ठीक। आगे बात कर दूसरा एग्जाम्पल देख लें कि ए बी का भाई है, अगर ऐसा कुछ लिखा है तब आप फैमिली ट्री में कैसे इसे रिप्रेजेंट करोगे, तब आपसे किसका जेंडर क्लियर होगा। मैंने बताया था कि अगर आपको क्या भाई वाला जो बात आ जाए तो आपको इससे डिनोट करना है, ठीक है, सिंगल वाले से दोनों तरफ एरो हो तो एक सेम जनरेशन के लिए ये एरो यूज करना है, आपका जो जनरेशन गैप हो जिसमें उसके लिए ये एरो यूज करना है, और मैरिड कपल के लिए ये यूज करना है। तो अभी यहां दिख रहा है ए बी का भाई है, तो यहां पे हम क्या बनाएंगे कि ए ये और बी ऐसे बनाएंगे, ये फैमिली ट्री में बनाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां से हमें किसका जेंडर पता चल रहा है, ए बी का भाई है, तो ए का जेंडर पता चल रहा है ना, ए बी का भाई है, तो ए पर हम लगा देंगे क्या प्लस का साइन, क्योंकि प्लस का साइन मतलब क्या हो जाएगा आपका मेल कैंडिडेट, और माइनस का मतलब फीमेल कैंडिडेट, ठीक है। अब यहां बी का जो है जेंडर नहीं पता चलेगा, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। अगर यहीं पे स्टेटमेंट होता बी सी की बहन है, क्या है बहन है, बी सी की बहन है, तो यहां पे बी सी की बहन है तो बी का जेंडर क्लियर हो गया कि बी जो क्या है फीमेल कैंडिडेट है, और दोनों जो है बात जो हो रहा है सेम जनरेशन की हो रहा है, तो सेम जनरेशन के लिए भाई बहन के लिए कौन सा साइन लगेगा, ये वाला साइन लगेगा, और यहाँ पे हम सी लगा देंगे। अब सी के बारे में हमें जेंडर का कोई क्लेरिफाई नहीं है कि ये कौन सा क्या है, प्लस है या माइनस है, ठीक, तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरी बात ले लें कि अगर आपसे कहा जाए थर्ड एग्जाम्पल
कि ए जो है वो सी का, ए जो है सी का क्या है, भतीजा है। ठीक है, ए जो है सी का भतीजा है, ऐसा अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो तो आप फैमिली ट्री में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ए सी का भतीजा है, तो अभी भी किसका जेंडर क्लियर हो रहा है? ए का हो रहा है ना, भतीजा है। ठीक है, भतीजी है, तो ऐसा किसके बारे में बोला? ए के बारे में बोला है, तो यहां प्लस हो जाएगा, इसका जेंडर क्लियर है। मगर इसे फैमिली में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ट्री में? तो भतीजा भतीजी होगा कब? देखो ये ए हो गया, ठीक है, इसके ऊपर, क्योंकि यहां से ही पता चल रहा है ये कहीं ना कहीं इसके ऊपर वाला ए सी का भतीजा, मतलब सी कहीं ना कहीं चाचा या चाची होगा। ठीक, यही हो सकता है, सी का जेंडर या तो मेल या फीमेल, मतलब चाचा या चाची। तो ए जो है का फादर यहां पे हम डिनोट करेंगे, तो मान लो ये फादर वाला हो जाएगा, और फादर का भाई, ठीक है, फादर का भाई आपके क्या हो जाएंगे? चाचा हो जाएंगे, और इनकी पत्नी क्या हो जाएंगी? चाची हो जाएंगी। तो सी का हमें जेंडर क्लियर नहीं है, मगर ए जो है किसका भतीजा है? किसका? सी का। तो सी का कोई जेंडर क्लियर नहीं है, इसका मतलब सी इन्हीं में से कोई एक आएगा, या तो चाचा होंगे या तो चाची होंगे। ठीक, तभी हम बोल सकते हैं, इसीलिए इसको जब रिप्रेजेंट करना है तो हम डायरेक्ट ए नहीं कहेंगे कि ए यहां सी कर दें। ठीक, तो पहले तो इनके पिताश्री होंगे और पिताश्री के भाई होंगे, ठीक, और वही उनके चाचा होंगे। ठीक, अगर चाची हैं तो वो भाई की क्या होंगी? पत्नी होंगी। तब जाके हम जो रिलेशन को शो कर सकते हैं। तो जब भी आपके पास रिलेशन में ऐसा गैप आए तो आप एक ट्री वाइज जो होता है ना, जैसे मैंने क्या यहाँ पे सीधे बोला कि ए जो है सी का भतीजा है, कहीं ना कहीं एक चीज छोड़ दिया कि उसके पिता के बारे में बताना, तो मैंने गैप जो ट्री बनाया, तो मैंने पहले ए का पिता बनाया, उनका भाई बनाया, उसके बाद से उनके भाई के जो वाइफ बनाया, क्योंकि सी के बारे में हमारा जेंडर क्लियर नहीं है कि प्लस या माइनस, तो ये ट्री पूरा बनेगा इनके फैमिली का। अब इसमें हम कह सकते हैं कि हाँ सी ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। ठीक, मगर इसका जो रिलेशन दिया कि ए भतीजा है, तो ये इनके रिस्पेक्ट में भी भतीजा होगा और इनके रिस्पेक्ट में भी भतीजा होगा। ठीक, इसीलिए ए का जो है यहाँ पे जेंडर क्लियर किया था। तो ये आपके कुछ हो गए क्या दर्शाने के लिए, मैंने फैमिली ट्री बता दिया कि कैसे कैसे दर्शाते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन लेके मैं बताऊंगा कि कौन किस टाइप का है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग अगर आंसर निकाल दो तो बढ़िया है, इसका आंसर क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले टाइप का क्वेश्चन है, पजल फॉर्म का क्वेश्चन है। मैंने बताया था ना कि आज हम पढ़ेंगे क्या, पजल वाला पढ़ेंगे और पॉइंटिंग वाला फॉर्म पढ़ेंगे। उसके बाद से अगले सेशन में हम आपके कोडेड ब्लड रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसमें थोड़ा टाइम लेंगे, उसमें अच्छे खासे क्वेश्चन जो होते हैं वो मैं करा दूंगा आपको। टाइप वन क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन बोला है शंकर मीता का भाई है। ठीक है, यदि शीला जो मीता की बहन है रमेश की भतीजी है, तो शंकर का रमेश से क्या संबंध है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ो और फैमिली ट्री बनाते चलो। फैमिली ट्री एकदम आसान से बना लोगे, आंसर एकदम तुरंत निकल जाएगा। देखो बनाना कैसे है, शंकर मीता का भाई है, देखो इससे क्या पता चल रहा है, ये एक जनरेशन के लोग हैं। कौन कौन? शंकर, ठीक है, और आपके कौन? मीता। शंकर और मीता जो हैं वो एक जनरेशन के लोग हैं। अब बोला क्या है, शंकर मीता का भाई है, शंकर का जनरेशन यहां से क्लियर हो रहा है। देखो शंकर मीता का भाई है, तो शंकर का जनरेशन क्लियर हो रहा है, आपका जेंडर क्लियर हो रहा है। तो शंकर का जेंडर क्या है यहां पे? मेल है। ठीक है, भाई है, इसका मतलब ये मेल कैंडिडेट है, तो प्लस लगा दिया। यदि शीला जो मीता की बहन है, यदि शीला जो मीता की क्या है? बहन है। एक और है सेम आपके जनरेशन की, कौन है? शीला। ठीक है, यदि शीला किसकी, यदि शीला जो मीता की बहन है, ठीक, रमेश की भतीजी है। ठीक है, ये कौन है? ये रमेश की क्या है? भतीजी है। ये शीला जो मीता की बहन है वो क्या है? रमेश की भतीजी है। अब भतीजी आ गई तो रमेश की भतीजी है। ये सब देखो तीनों क्या हैं? तीनों एक जनरेशन के हैं, आपके शंकर हुए चाहे मीता हुए चाहे शीला हुए।
अब बोला क्या गया कि यदि शीला जो मीता की बहन है, यदि शीला जो मीता की बहन है, ये तो माइनस होगी, मीता की बहन है, तो ये बोल रहा है कि ये शीला जो है किसकी, रमेश की क्या है, भतीजी है, तो भतीजी के लिए क्या होगा, इनके ऊपर एक जनरेशन होगा, इनके पिता वाला जनरेशन होगा, क्योंकि ये तीनों क्या है, एक ही में भाई बहन का जनरेशन है, तीनों एक जनरेशन के हैं, इनके ऊपर इनके पिता और मदर वाला जनरेशन होगा, उसी मदर वाले जनरेशन में कहीं ना कहीं आपके चाचा और चाची आएंगे, क्योंकि चाचा या चाची के ही रिलेशन से यहाँ पे भतीजा या भतीजी निकलेगा आपका। तो यहाँ वाला की बात, जो आपका जनरेशन आएगा, ये रमेश जो होंगे वो इन्हीं के भाई होंगे आपके, इनके पिता के, शंकर के पिता के, तब जाके ये क्या कह सकते हैं कि रमेश की क्या है, भतीजी है, ठीक है, तभी यहाँ पे हम कहेंगे कि ये रमेश की क्या है, भतीजी है। अब ये पूरा फैमिली ट्री बन गया कि अब रमेश कहाँ से आए, कि शंकर के पिता हुए, और पिता के जो उनके भाई होंगे उसी जनरेशन के, वही क्या होंगे, शीला के जो होंगे चाचा लगेंगे, वही होंगे क्या, रमेश। तो वही आपसे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन क्या बोला है, तो शंकर रमेश से क्या संबंध है, तो शंकर का रमेश से क्या संबंध है, क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो भाई, जब पूरा जनरेशन ये एक है, जब शीला इनकी भतीजी लग रही है, तो ये इनका मेल जो क्या, आपका जेंडर क्या है, क्लियर है ना कि मेल है, तो ये क्या हो जाएंगे, रमेश के भतीजा हो जाएंगे। वही तो पूरा, शंकर का रमेश से क्या संबंध है, ठीक, शंकर का रमेश से संदर्भ पूछ रहा है आपका कि किस रिलेशन क्या है, तो शंकर का जेंडर क्लियर है, तो हम यहां बोल देंगे क्या कि ये भतीजा होंगे, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। लेकिन अगर आपसे बोलता कि रमेश का शंकर से क्या संबंध है, तो रमेश का शंकर से हम संबंध कैसे निकालते, रमेश का तो जेंडर यहां क्लियर है ही नहीं, ये चाचा है या चाची है, ठीक, नाम पे मत जाओ कि रमेश नाम है तो मेल कैंडिडेट होंगे, ऐसा नहीं, हमें ए और बी और सी से भी डिनोट कर सकता था, नाम पे मत जाओ जब तक यहां कहीं दिया ना रहे, यहां सीधे दिया था रमेश की भतीजी है, रमेश की भतीजी है मतलब रमेश यहां पे इसका जेंडर क्लियर कर रहा है, ना कि रमेश का जेंडर क्लियर कर रहा है ये, रमेश की भतीजी, ठीक। तो इसलिए यहां पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो हम यहां बोल सकते थे कि हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, हो सकता है चाचा या चाची, डिपेंड करता है, यहां पे अगर ऑप्शन में होता चाचा या चाची तो दोनों हो सकता है, ठीक। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा वही नहीं, वो पूछ रहा है शंकर का रमेश से, तो शंकर का जेंडर क्लियर है, तो शंकर हमेशा हर केस में क्या होगा, भतीजा ही होगा, भतीजी नहीं बोल सकते क्योंकि इसका जेंडर प्योरली क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और आंसर कमेंट करिए क्या होगा इसका, एकदम सिंपल सा है, आप ट्री बनाओ और आंसर निकालो, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, फैमिली ट्री बनाओ, अपने परिवार का एक ट्री बनाओ, खुद सोचो कि अपने फैमिली का एक ट्री बना रहे हो। बोला यदि ए बी की बहन है, ठीक है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ठीक है, और ई डी की माता है, तो बताइए ए का डी से क्या संबंध है। हमेशा इस लाइन पे बहुत गौर करना, यहां बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, पूछता है ए का डी से क्या संबंध है, अब बच्चे निकाल के क्या चले आते हैं, डी का ए से क्या संबंध है, ऑप्शन में भी दिया रहता है, और वो ही मार के चले आते हैं, बाद में पता चलता है वो आंसर गलत हो गया। तो ये गलती नहीं करना, हमेशा इस पॉइंट पे हमेशा फोकस होना कि किससे किसका संबंध पूछा है, पूछा है ए का डी से क्या संबंध है, तो ए जो है डी के अपेक्षा में क्या होगा ये पूछा गया है। तो देख लेते हैं, फैमिली ट्री बनाएंगे, पहले बोला ए बी की बहन है, सेम जनरेशन की बात हो रही है, तो सेम जनरेशन के लिए मैंने बताया ये ए और बी, ठीक, क्या ए बी की बहन है, किसका जनरेशन, आपका जेंडर क्लियर है, ए या बी, क्या ए बी की बहन है तो ए का जेंडर क्लियर है, माइनस लगा देंगे। आगे सी बी की माता है, सी बी की माता है, देखो तो किसका सी बी की माता है? मतलब एक जनरेशन ऊपर की बात हो रही है, एक जनरेशन ऊपर की बात हो रही है, तो यहां पे हम ऊपर चले आएंगे, और सी क्या है, बी की माता है, तो सी का जेंडर क्लियर हो गया ना, माइनस लगा देंगे यहां पे। अगला क्या है, डी सी का पिता है, अगला बोल रहा है जो डी है वो सी का पिता है, मतलब अब इसके भी ऊपर वाली बात हो रही है, तो डी और थर्ड जनरेशन पे हम पहुंच रहे हैं, तीसरे वाले पे, ठीक, तो ये क्या है, डी जो है वो सी का क्या है, पिता है, तो यहां पे हम प्लस साइन लगा देंगे, ठीक।
अगला क्या है, ई डी की माता है, ई जो अब उससे भी ऊपर वाली जनरेशन पहुंच रही, ई जो है वो डी की क्या है, माता है। ई जो है वो डी की माता है, तो यहां माइनस साइन लगा देंगे। देखो कितने जनरेशन, मतलब दादा से ऊपर वाले जो है जनरेशन पहुंच गई, पर दादा पर दादी वाला, ठीक है। अब आ जाइए तो बताइए कि ए का डी से क्या रिलेशन है। क्वेश्चन पर ध्यान से देखो, डी से डी का ए से नहीं पूछा है, ए का डी से रिलेशन पूछा है बच्चों, ए का डी से क्या रिलेशन है। तो देखो ए का जेंडर क्लियर है, क्या है आपका माइनस, और ये देखो कहीं ना कहीं तीन जनरेशन की बात हुई, पहला जनरेशन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो खुद सोच लो कि हम लोग एकदम लोएस्ट वाले में हैं, फर्स्ट जनरेशन में हैं, ये सेकंड जनरेशन हो गई, ये थर्ड जनरेशन हो गई, ठीक है। ऐसे मान लो, या आप जैसा मानना चाहो, ये फर्स्ट जनरेशन हो गई, ये सेकंड, ये थर्ड, अपने को थर्ड जनरेशन में मान लो, डिपेंड करता अपने नोटिस आपके कि किससे आप दे हो डिनोट करते हो। तो ये जनरेशन आपकी हुई, इसके दो ऊपर जनरेशन से आपसे रिलेशन पूछ रहा है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं पोता या पोती में से होंगे। आपकी जो जनरेशन होगी ये आपके पिताश्री वाली है और मदर वाली है, और इसके ऊपर वाली आपके दादा या दादी वाली है, तो दादा दादी से आपका रिलेशन क्या होगा, उनके पोता या पोती तो होंगे। आप ही का रिलेशन आपके दादा या दादी से पूछा है, तो वही पूछा है ए का डी से, तो ए का डी से पूछा है, ए का जेंडर क्लियर है, ए का क्या है माइनस, तो इसका मतलब ये डी की क्या होगी, पोती होंगी, ठीक है, ये डी की क्या होंगी, पोती होंगी, ठीक। और एक बात और ध्यान रखना, या पोती नहीं, अगर यहां पे आपका नातिन होगा तो वो नातिन सही होगा, क्यों, क्योंकि यहां पे देखो बी से सी, बी जो है बी की माँ क्या है, सी है, ठीक है, और सी के फादर कौन है, डी। तो जब भी आपके मदर साइड के आ जाए तो वहां पे क्या होता है, आपका जो फादर साइड में आपके ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर होते हैं, और आपके मदर साइड में उनके पिता या मदर जो होंगे, मदर होंगे, वो क्या आपके होंगे, नाना या नानी कहलाएंगे। तो यहां पे देखो बी की जो है माँ कौन है, सी है, और सी के जो है पिताश्री हैं डी, तो इसलिए ये आपके किस साइड में चल रहा है, ये मदर साइड का चल रहा है ग्राफ, तो मदर साइड में ये डी क्या हो जाएंगे, आपके नाना या ये वाला जो जनरेशन होगा वो नाना या नानी का होगा, नाना या नानी का होगा। तो इस समय डी का प्लस साइन है, इसका मतलब आपके नाना है, तो उस रिस्पेक्ट में ए का जो है संबंध क्या होगा, नातिन का होगा, क्योंकि ए का जो है जेंडर क्या है, माइनस है, तो प्लस होता तो नाती और माइनस है तो नातिन होगा, तो ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि इंग्लिश वाले में तो आपका कुछ नहीं ऐसा होता है, उसमें तो ग्रैंडफादर ग्रैंड आपके ग्रैंड मदर दोनों में कहा जाता है, तो आप बाकी हिंदी वाले ऑप्शन में बदल जाता है, नातिन हो जाता है, वहां आपके क्या होता है ग्रैंड सन, ठीक है, ग्रैंड डॉटर ही होता है, लेकिन यहाँ नातिन हो जाता है, यहाँ पोता हो जाता है, पोती हो जाता है, ठीक। तो ये बातें ध्यान रखना हिंदी में, कि यहाँ पे जब भी मदर साइड का आपका जनरेशन ऊपर बढ़े तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे नाना और नानी वाला जनरेशन होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये पजल फॉर्म में मैं बता दिया हूं कि इस टाइप से क्वेश्चन आपका यूपी ट्रिपलसी दे सकता है, इतना बड़ा, इससे मैंने दो क्वेश्चन उठाया, तीन क्वेश्चन भी आ सकता है आपके सामने, अगर इतना लंबा जो है आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, बहुत ज्यादा लंबा नहीं आएगा। तो तीन और चार इसी से रिलेटेड है, पैराग्राफ पढ़ लो और इसका आंसर दो, सिंपल सा है। एम बी की माता है, ए एन का पिता है, एन बी का इकलौता भाई है, ये ध्यान रखना। सी का विवाह एन के साथ हुआ है, क्यू सी का एकमात्र बच्चा है, क्यू जो है सी का एकमात्र बच्चा है, एन की कोई बहन नहीं है, जे ए का पिता है। अब इसका हमें फैमिली ट्री बनाना है, ठीक है, ये मैं छोटा कर दे रहा हूं, और फैमिली ट्री बनाना है। बोला एम बी की माता है, देखो जैसे जैसे बोला वही वही करना है हमें, एम जो है बी की माता है तो ऊपर कौन होगा, एम बी की माता है तो ऊपर एम होगा, ठीक है, और ये किसकी माता है, एम जो है बी की माता है, तो एम में क्या साइन हो जाएगा, माइनस वाला, क्योंकि M का जेंडर क्लियर हो रहा है कि M B की माता है, तो M में क्या हो जाएगा आपका, माइनस का साइन हो जाएगा। अब A N का पिता है, यहां से तो अभी क्लियर नहीं हुआ, तो ये वाली लाइन अभी छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, N B का इकलौता भाई है,
एन क्या है, बी का इकलौता भाई है, तो बी के साथ कौन सा जनरेशन उसका आ गया, सेम जनरेशन वाला आ गया ना, भाई बहन एक जनरेशन के हो गए, तो एन बी का इकलौता भाई है, तो एन जो है यहां पे हम ऐसे डिनोट करेंगे, एन जो है बी का इकलौता भाई है। जेंडर किसका क्लियर हो रहा है इसमें, एन का हो रहा है, क्योंकि एन के बारे में बात की जा रही है कि एन बी का इकलौता भाई है। आगे वाली लाइन, सी का विवाह एन से हुआ है, देखो सी का विवाह एन से हुआ है, तो ये एन से मैरिड कपल, मैंने बताया था मैरिड कपल के लिए ये वाली साइन यूज करना है, किसका विवाह हुआ है एन से, सी का, तो सी का तो ऑटोमेटिक जेंडर क्लियर हो जाएगा, जहां मैरिड कपल आएगा और इसका जेंडर क्लियर है पहले से कि एन प्लस है, मतलब मेल कैंडिडेट है, तो सी क्या होगा, फीमेल कैंडिडेट होंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्यू सी का एकमात्र बच्चा है, क्यू जो है वो सी का, मतलब इन दोनों लोगों से इनका एक बच्चा है, कौन है वो, क्यू है, इसका जेंडर नहीं पता हमें। ठीक है, क्यू सी का एकमात्र बच्चा, सिर्फ ये लिखा हुआ है, ना कि लिखा हुआ है कि लड़का है या लड़की है, ये नहीं लिखा हुआ है, ना बेटा है ना बेटी लिखा हुआ है, एकमात्र बच्चा सिर्फ लिखा हुआ है। यन की कोई बहन नहीं है, देखो बोला गया है एन की कोई बहन नहीं है, इसका मतलब एन का जो है यहां पे, यहां एन का तो जेंडर क्लियर है, मगर एन का कोई बहन नहीं है, इसका मतलब बी का भी क्या हो जाएगा, जेंडर प्लस होगा। एन की कोई बहन नहीं है, इसका मतलब बी जो इसका पता नहीं चला था ना कि ये भाई है या बहन है, क्योंकि ये सिर्फ दिया था कि एन जो है बी का भाई है, ना का बी का बताया था कि बी एन का क्या है। ठीक, लेकिन जो लास्ट स्टेटमेंट दिया है कि एन की कोई बहन नहीं है, इससे ये क्लियर हो गया कि जो बी है वो एन का क्या है, भाई है, तो ये भी प्लस साइन हो जाएगा। आगे देख लें, जे ए का पिता है, जे जो है वो किसका पिता है, ए का पिता है। ठीक है, अब एक चीज और, ए आ गया, तो अब ए वाला देखो लाइन जो हमने छोड़ा था ये वाला, इसे देख लेते हैं, ए एन का पिता है, ए जो है एन का पिता है, ए जो है एन का पिता है, तो हम कहां बना देंगे, ए यहां पे बनाएंगे, एन का पिता होगा। ठीक, तो ए का प्लस साइन हो जाएगा, और देखो कहीं ना कहीं ये जो जनरेशन है आपकी, ये एक सेम जनरेशन है, और ये आपके बोल सकते हो कि अगर ये आप हो, ये आपके फादर मदर वाली जनरेशन, और ये आपके ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर वाली जनरेशन, ऐसे कंपेयर कर लो, तो कहीं ना कहीं ये इन्हीं के लड़का है ये, और ये इनका भाई है, उसकी जनरेशन चल रहा है, तो ये दोनों लोग क्या होंगे, मैरिड कपल होंगे, क्योंकि इनका साइन माइनस था, ये प्लस था। ठीक है, तो उन्हीं के जनरेशन की बात चल रही थी, तो ये आपके क्या होंगे, मैरिड कपल होंगे। अब उसी में बोल रहा है कि जे ए का पिता है, जो जे है वो किसका, ए का पिता है। अब देखो भैया नए आएंगे, एक कौन, यहां पे दिया था ए एन का पिता है, तो प्लस साइन हो गया। अब बोल रहा है कि जे जो है ए का पिता है, तो जो जे है, ये देखो जो जे है वो ए का पिता है, मतलब जे का जेंडर क्लियर है यहां पे, और ये एक इससे ऊपर ही जाएगा, तो यहां प्लस साइन लगा दिया हमने। तो ये ट्री बनाना मुश्किल काम नहीं है, आसान सा है, जैसे जैसे बोले वैसे वैसे आप बना लो, ये आपका ट्री बन गया, फैमिली ट्री बन गया, इस पजल का ये फैमिली ट्री बन गया। अब क्वेश्चन देखो और आंसर आसानी से निकालो। बोला यदि ए का कोई पोता नहीं है, बोला ए का कोई पोता नहीं है, देखो ये जनरेशन आपकी हो गई, उसके बाद से ऊपर वाली ये तीसरी जनरेशन है, तो तीसरे जनरेशन में क्या होता है, हमेशा ये वाला जनरेशन आपका ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर वाले से रिलेटेड होता है। तो ये जान लो कि ये ए का कोई पोता नहीं है, इसका मतलब ये इसका जेंडर क्लियर कर रहा है क्यू का, क्योंकि ए का बेटा तो ये है और बेटे का ये बच्चा है। अब इसका जेंडर हमें नहीं पता है, तो ये यहां से पता हो रहा है इस क्वेश्चन से कि यदि ए का कोई पोता नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, पोता नहीं है, तो ये पोती होगी, और क्या दो ही तो हो सकते हैं, हाँ हमेशा दो ही जेंडर की बात करते हैं ब्लड रिलेशन में, तीसरा चौथा जेंडर ना ला देना अपने मन से। ठीक, तो ये क्या होगा, माइनस होगा। तब क्यू बी से किस प्रकार संबंधित है, अब देखो तब पूछा कि अगर ए का कोई पोता नहीं है तो इसका जेंडर क्लियर हो गया, और पूछ रहा है कि क्यू बी से कैसे संबंधित है, मतलब क्यू जो है बी से कैसे संबंधित है। अब आराम से निकाल लोगे, देखो ये क्यू के पापा हो गए और पापा के ये भाई हो गए, तो पापा के भाई क्या कहलाएंगे, चाचा कहलाएंगे, अंकल कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे, तो ये भैया बी जो होंगे क्यू के क्या होंगे, चाचा होंगे, मगर
बी अगर पूछे कि बी क्यू का क्या है, तब कहोगे कि चाचा है। अगर क्वेश्चन में ये होता पूछता कि बी क्यू से क्या संबंध रखते हैं, तब कहते कि चाचा है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि क्यू बी से कैसे संबंधित है, तो क्यू बी से कैसे संबंधित होगी, चाचा ये हुए तो ये क्या होंगे, भतीजी होंगी। ठीक, तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका, भतीजी कहाँ गया ये वाला, ये भतीजा वाला, ये ऑप्शन डी हो जाएगा सही, भतीजी या भांजी वाला जो स्लैश करके लिखा हुआ है, तो भतीजी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना किस किससे किससे रिलेशन पूछा है, क्योंकि बच्चे हमेशा यहीं पे गलत करते हैं। अगर यहाँ पे चाचा होता तो पता चले चाचा मार लेते, मान लो ऑप्शन ई होता चाचा, और पूछा यहाँ पे कि क्यू बी से किस प्रकार संबंधित है, तो सीधे तुम लोग देखे नहीं और यहाँ पे चाचा मान लिया कि बी जो है क्यू का क्या है, चाचा है। लेकिन पूछा क्या क्वेश्चन कि क्यू का बी से कैसा संबंध है, किस प्रकार से संबंधित है कौन क्यू, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है इसी आपके ट्री पे सॉल्व हो जाएगा, ए सी से किस प्रकार संबंध है, ए का जो सी से किस प्रकार का संबंध है, किसका पूछा है, ए का पूछा है, किससे पूछा है, सी से पूछा है। तो देखो ए से, ए का पूछा है सी से, तो ए के जो है ये क्या हुए, पतिदेव हुए एन, और ये इनके भाई हुए, और कहीं ना कहीं इनके पतिदेव के ही तो पिताश्री है ना ए, ठीक, तो ए पिताश्री है इनके पतिदेव के, तो इसका मतलब ये सी के क्या हुए, ससुर होंगे। और वही पूछा है कि ए का सी से क्या संबंध है, तो ए का सी से क्या संबंध है, ये इनके क्या हुए, ससुर हुए। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, ससुर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो ये आपके इस टाइप का पजल का क्वेश्चन आ सकता है, इतना कि एक पजल का आप डायग्राम फैमिली ट्री बना लिए और उससे जितना भी क्वेश्चन पूछे आप आसानी से निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर कमेंट करो जिसका आ जाए आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो अब इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। बोल रहा है एम पी का पुत्र है, डायग्राम बनाते चलो, ठीक है समय कम लगेगा। एम पी का पुत्र है, एम जो है किसका पुत्र है, पी का, तो कौन ऊपर होगा, पी, ठीक है, एम जो है पी, और किसका जेंडर क्लियर हुआ, देखो शब्दों पे जाना, क्योंकि जहां बोले कि एम पी का पिता है और यहां बोला क्या, एम पी का पुत्र है, एम जो है वो पी का पुत्र है, इसका मतलब एम का क्या होगा, जेंडर क्लियर हो गया क्या, प्लस। ठीक है, उसके बाद से बोल रहा है क्यू पौत्री है किसकी, ओ की, जो पी का पति है, कौन, देखो क्यू जो है क्या है, पौत्री है ओ की, जो पी का क्या है, पति है, तो पी का पति कौन है, ओ है, तो पी का पति बनाना है आपको, तो ये मैरिड कपल वाला साइन हो गया, ये ओ क्या हो गया, प्लस का साइन दे दो, तभी तो ये क्या होंगे, पति होंगे। वो बोला ना क्यू पौत्री है ओ की, जो लगा ना, जो पी का पति है, किसका, ये ओ के बारे में बात की गई है। अब क्यू क्या है, इसकी पौत्री है, तो पौत्री है इसका मतलब कि कहीं ना कहीं इनके उप जनरेशन वाली बात है, कि ये तो आपके पापा वाली जनरेशन हो गई और इसके नीचे वाली आप लोगों की जनरेशन आएगी, तो यहां पे आप लोग मान लो क्यू, ठीक है, तो ये यहां से ओ की ये क्यू क्या है, पौत्री है, तो ये माइनस लगा दिए साइन। ठीक, ये एम की कोई ना कोई जो है क्या लड़की होगी, ठीक, क्यू। अब आगे देख लेते हैं आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कि बताइए कि एम का ओ से क्या संबंध है, पूछ रहा है एम का ओ से क्या संबंध, और यहां पे एक बात और, जब इसका साइन प्लस होगा ये मैरिड कपल है, तो इसका साइन क्या होगा, माइनस होगा, ये तो मैरिड कपल में यही है, एक का पता चल जाए तो दूसरे का ऑटोमेटिक पता चल जाता है, ऐसा तो होता नहीं है, होता है ऐसा भी, प्लस प्लस वाले भी मैरिड कपल होते हैं, मगर यहां नहीं होता है। ठीक है, अब हो गया है, अब चालू हो गया है, लेकिन अभी ब्लड रिलेशन इस चैप्टर में ऐसा चालू नहीं हुआ है। ठीक, चलो तो अब देख लो, यहां पे पूछा कि आपसे M का O से संबंध पूछा है, M का संबंध पूछा है O से, तो M क्या है इसका, O का, साफ साफ दिख रहा है, जब P का ये लड़का है तो O का भी तो लड़का ही होगा, तो इसका मतलब M जो है O का क्या है, पुत्र है, हम क्या बोलेंगे, ये आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एम जो है ओ का क्या है, पुत्र है, यही दिखाई दे रहा। अगर क्यू का पूछता कि एम, क्यू जो है एम का क्या है, तो पुत्री है, क्यू जो है एम की क्या है, पुत्री है,
तो ये जनरेशन वाला आपका पूरा का पूरा, ये आपका जनरेशन, ये आपके फादर मदर वाला जनरेशन, ये आपके ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर वाला जनरेशन। तो ये आपके तीन ही जनरेशन हर जगह मिलेंगे और मैंने तीन के बारे में बात भी किया था। तो इसका आंसर आ गया ए, जिसका जिसका आया सही हो। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सिंपल सा, एक्स और वाई भाई भाई हैं, एक्स और वाई भाई भाई है मतलब दोनों का जेंडर इसने क्लियर कर दिया। उसके बाद बोला आर वाई का पिता है, एस टी का भाई है और एक्स का मामा है, टी का आर से क्या संबंध है? ठीक है, तो इसे देखते हैं, ट्री बनाते हैं, फैमिली ट्री। पहला काम तो यही होना चाहिए एक्स वाई का भाई है, ये एक्स बना लिए और दोनों सेम जनरेशन की बात हो रही, तो ये वाला साइन और ये वाई, दोनों भाई भाई हैं मतलब प्लस प्लस का साइन लगा दो। उसके बाद बोला आर वाई का पिता है, आर जो है वाई का पिता है, इसका मतलब एक जनरेशन ऊपर जाएगा आर, तो आर वाई का पिता हो गया, क्योंकि आर का भी जेंडर क्लियर बोला ना, आर वाई का पिता है तो आर का जेंडर क्लियर हो गया। एस टी का भाई है, और देखो एस टी अभी कहीं नहीं आया इस ग्राफ में, और एक्स का मामा है, कौन? एस टी का भाई है और एक्स का मामा है कौन? एस, एस जो है एक्स का क्या है? एक्स का मामा है, ये ध्यान रखो। तो एक्स का मामा बनाना है, तो अब कैसे करोगे? एक्स का मामा बनाने के लिए देखो ये दोनों भाई हैं, ये इनके पिताश्री हैं, तो इसका मतलब इनसे हम मैरिड करा दें, मदर हो जाएंगी यहां पे, यहां पे एक्स का जो है कौन आएगा? मदर आएंगी, एक्स की मदर आएंगी, इसका मतलब मदर का जो भाई होगा वो क्या होगा? एक्स का मामा होगा, और वही है कौन? आपका एस। ठीक ठीक, तो ये आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, यहां पे एक पूरा का पूरा मिस कर दिया। ठीक, इसलिए आपको पूरी एक फैमिली ट्री कंप्लीट करना है, तो उसके लिए बोला था ना कि एस जो है एक्स का मामा है, तो कब होगा? ये आर एक्स के पिता है, तो मम्मी को बनाओ और मम्मी के जो भाई होंगे वही क्या होंगे? आपके एस होंगे। ठीक, तो अब बन गया आपका पूरा फैमिली ट्री कंप्लीट, ये भाई है किसके? इसके, तो यहां प्लस साइन लगा दो। अब बोला एस जो है टी का भाई है, अब आगे और जाओ, एस टी का भाई है, टी का जेंडर नहीं पता है, तो हम टी कहां, कौन सा खाली जगह दिख रहा है यहां पे? ये खाली जगह दिख रहा है, यहां पे हमें कोई भी ना लेटर नहीं यूज किए हैं, तो इसका मतलब एस जब टी का भाई है तो यहां पे कौन होगा? टी होगा। ठीक है, यहां पे कौन होगा? टी होगा, यहां पे हमें पता नहीं, तो ये टी आपका यहां फिल हो गया। ठीक, यही आपका स्पेस बच रहा था, यहां हमें पता नहीं था कि यहां पे क्या होगा, और यहां पे वही बताया था एस टी का भाई है, तो टी यहां फिल हो जाएगा। अब पूरा कंप्लीट हो गया ये ट्री। अब देख लेते हैं जो संबंध पूछा है, टी का आर से क्या संबंध है? टी का आर से क्या संबंध है? तो यहां देखो ये दोनों क्या है? मैरिड कपल है। तो सिंपल सी बात है, जिसके जहां से पूछे, अगर आर का टी से पूछे तो आर टी का पति है, और टी का आर से पूछ रहा है तो टी आर की क्या है? पत्नी है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो जिसका आंसर आया ऑप्शन बी सही हो। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ो और आंसर कमेंट करो। ए और बी भाई हैं, उसके बाद से बोला ई पुत्री है एफ की, एफ पत्नी है बी की, तो ई का ए से क्या संबंध है? यह बताना है आपको। ट्री बनाना शुरू करते हैं, कहां से? एकदम शुरू से। ए और बी भाई हैं, ए जो है और बी जो है दोनों क्या है? भाई भाई है, दोनों पे प्लस लगा दो। ई पुत्री है एफ की, देखो यहां पे अभी ई और एफ का कोई जिक्र हुआ नहीं, तो इस लाइन को अभी कुछ देर के लिए छोड़ो। एफ पत्नी है बी की, एफ क्या है? किसकी पत्नी है? बी की, तो यहां लगा दो एफ, यहां साइन आपका क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि एफ पत्नी है किसकी? बी की। आगे क्या बोला है कि ई का ए से क्या संबंध है? अभी ई आया नहीं, इसका मतलब जो हम छोड़े थे उसमें है। देखो ई पुत्री है एफ की, ई जो है क्या है? पुत्री है एफ की, तो यहां बना देंगे ये लोग, ई जो है पुत्री है, इसका मतलब माइनस साइन आ जाएगा। ठीक, तो ई पुत्री हो गई एफ की, और आगे क्या बोला है? तो ई का ए से क्या संबंध है, ये आपसे पूछ रहा है। ई का ए से क्या संबंध है, इससे पूछ रहा है। तो देखो ये ई की मदर हो गई, ये फादर होंगे, और ये कौन हो गया? आपके फादर के भाई क्या कहलाएंगे? चाचा कहलाएंगे। तो वही पूछ रहा है ई का ए से क्या संबंध है,
जो ई है उसका संबंध पूछ रहा है कि ए से क्या है, तो ये आपके ए जो है ई के चाचा कहलाएंगे, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा है ई का ए से क्या संबंध है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, भतीजी हो जाएगा। ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन सी जो आपका सही हो जाएगा, ठीक, कि यहां पे ई का ए से पूछा था तो ये चाचा है तो ये इनकी क्या होंगी, भतीजी होंगी, ठीक। तो ये आपका ट्री बनेगा और इससे आंसर निकल आएगा, आंसर सी सही हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 8 नंबर, इसका आंसर कमेंट करो। सिंपल सा क्वेश्चन है, एम और एफ विवाहित दंपत्ति हैं, ठीक, ए और बी बहने हैं, ए और एफ, ए जो है एफ की बहन है, तो बी एम का क्या लगती है, बी का बोला है संबंध एम से क्या लगती है, आंसर कमेंट करो, उसके बाद से मैं बताता हूं क्या होगा इसका आंसर। चलिए जिसका नहीं आया अब देख लेते हैं, एक फैमिली ट्री बनाएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है एम और एफ विवाहित दंपत्ति है, ठीक है, मैरिड कपल है, मैरिड कपल के लिए मैंने साइन बताया ये यूज करना है, ठीक है, तो एम और एफ विवाहित दंपत्ति है। अब इसमें हमें ये पता नहीं है कि कौन मेल है कौन फीमेल कैंडिडेट है, दोनों ये हो सकता है ये प्लस हो और ये माइनस हो सकता है आपका ये वाला हो जाए कि आपके ये प्लस हो और ये माइनस हो, दोनों में हमें पता नहीं है। अभी आगे देखते हैं, ए और बी बहने हैं, ठीक, ए एफ की बहन है, ए जो है वो किसकी बहन है, एफ की बहन है, अभी हम ये जेंडर क्लियर नहीं है तो ये कट करते हैं, ए जो है एफ की बहन है, ठीक, तो ए का यहां जेंडर क्लियर हो गया, माइनस होगा, ए जो है एफ की बहन है। अब अगला क्या है, ए और बी बहने हैं, ए और बी बहने हैं, तो देखो यहां बना लो बी, ये कर लो क्या माइनस साइन, क्योंकि दोनों क्या है बहने हैं, तो बी का भी जेंडर क्लियर हो जाएगा, ए और बी बहने हैं, ये तो एक पूरे एक ही जनरेशन के चल रहे हैं, ठीक, और यहां मैरिड कपल है वो भी सेम जनरेशन का ही है। अब हमें क्या करना है वो देखो, क्वेश्चन में बोल रहा बी एम का क्या लगती है, जो बी है ठीक है वो एम का क्या लगती है, जो बी है वो एम का क्या लगेगी, वो डिपेंड करता है आपके इसके साइन पे। अगर मैं साइन मान लूं कि इसका माइनस हो और इसका प्लस हो, ये फीमेल हो, ठीक, जब फीमेल होगी तो देखो ये इनकी एम की वाइफ है, ठीक है, ये वाइफ की बहन है और ये भी बहन है उसी की, तो इनके वाइफ की दो बहनें हैं, तो एम के क्या लगेंगी ये दोनों, उस समय साली लगेंगी, ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि बी जो है एम की क्या लगती है, तो बी जो है एम की उस समय साली लगेगी जब एफ का जेंडर क्या होगा आपका माइनस होगा, तो इस समय एम की वो साली लगेगी। अगर जेंडर एम का जो है आपका माइनस हो और एफ का प्लस हो, इस केस में क्या होगा आपका रिलेशन सब कुछ यही हो, ठीक, तो उस केस में क्या होगा आपका, ये ए है और ये बी है, दूसरा वाला केस, केस टू मैं ले लूं कि ये माइनस होगा ये प्लस होगा और यहां पे ऐसा होगा, तो देखो कि एफ जो है क्या भाई, एम जो है इनकी बीबी है, एफ की ये बहने हैं, ठीक, एफ की बहने और ये आपकी, मान के चलो ये आप हो, ये आपकी बहने हैं, तो आपकी अगर शादी हुई है ठीक है उनसे एम से, तो ये जो आपकी बहने हैं वो एम की क्या लगेंगी, ठीक है, चाहे हम ये कहें कि ये बहने जो हैं ये बी जो है एम की क्या लगेंगी, तो जो बी है वो एम की क्या लगेंगी, ननद लगेंगी, क्या लगेंगी, ननद लगेंगी, ठीक, तो ये ध्यान रखना। तो बी जो है क्योंकि ये आपके इस के साइड में हस्बैंड के साइड का है, तो हस्बैंड के साइड में ये क्या होंगी, एम का जो है जो बी होगी वो ननद लगेंगी। तो आपका जब एम और एफ का जेंडर क्लियर नहीं है तो हमें दोनों केस लेके चलना पड़ेगा। केस पहला कि जब हम एम को प्लस माने और एफ को निगेटिव माने तब बी का जो रिलेशन आएगा एम से वो साली का आएगा। सेकेंड केस में ये है कि हम जब एम को माइनस लें, इसका जेंडर आपका फीमेल लें और इसको मेल लें, तब क्या होगा, एम जो है वो बी का क्या लगेगी, जो एम जो होगी बी जो होगी वो एम की क्या लगेगी, ननद लगेगी। वही आपसे पूछा है कि बी जो है एम की क्या लगेगी, बी जो है
एम की क्या लगेगी, तो वो ननद लगेगी। और यहाँ पे जो है बी जो है एम की क्या लगेगी, साली लगेगी। तो जहां आपका स्लैश में हो कि साली स्लैश ननद वाला ऑप्शन, वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वो कौन सा है, ऑप्शन बी है। ठीक, तो जहां ऐसा केस बने तो वहां आपको दोनों पहलू पे सोचना है, क्योंकि सिर्फ यहां बोल दिया कि एम और एफ जो है विवाहित दंपत्ति है, मैरिड कपल है, ना कि जेंडर कोई नहीं दिया। तब आपको दोनों पे क्या करना है, दोनों लेके क्लियर करना है कि दोनों में क्या क्या रिलेशन आ रहा है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपका टाइप टू से है। टाइप टू मैंने बताया था, टाइप टू क्या है आपका, पॉइंटिंग फॉर्म है, जहां पे किसी को पॉइंट करके क्वेश्चन बनता है। ठीक है, बोल क्या रहा है, सुधा राहुल के बारे में अपनी एक सहेली से कहती है। देखो, सुधा जो है राहुल के बारे में अपने एक सहेली से कहती है कि वो मेरे सगे भाई के दादा का इकलौता पुत्र है। तो बताइए कि सुधा राहुल से किस प्रकार संबंधित है। ठीक, अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो सिंपल सी बात है, किसमें किसी दूसरे के बारे में बात हो रहा है, किसके बारे में, सुधा राहुल के बारे में अपनी एक सहेली, राहुल के बारे में बात हो रहा है, सुधा किससे कर रही है, अपने एक सहेली से कर रही है। ठीक, क्या कहती है कि वह मेरे सगे भाई के दादा, ये वह किसके लिए आया, ये राहुल के लिए आया। ठीक, वह मेरे सगे भाई के दादा। ठीक, यहां क्या मेरे सगे भाई के मतलब वो अपने सुधा के लिए यूज हो रहा है, तो यहां देखो, या मैं नंबरिंग कर देता हूं मेरे सगे। ठीक, यहां एक तो मेरे पे कर लो, एक नंबर डाल दो, सगे भाई यहां क्या हो गया, दो दूसरे लोग आ गए, एक तो मेरा वाला हो गया ही, उस पर एक नंबर कर दिया, सगे भाई को दो नंबर दे दो, दादा वाले ऑप्शन पे तीन दे दो, का इकलौता पुत्र यहां एक चार दे दो इसे। ठीक, अब चार लोग हो गए, उसके बाद से हम ट्री बनाते हैं, इसकी फैमिली ट्री बनाते हैं। आप अपने सहूलियत के हिसाब से जैसा करें, या तो आप ऐसे लिखते चले जाना कि कौन किसका क्या है, या नंबरिंग कर लेना। जैसे मैंने कहा कि उसने कहा कि मेरे सगे भाई के दादा। ठीक है, तो किसके, सुधा के, तो मेरे की जगह कौन आएगा, सुधा, क्योंकि सुधा बोल रही है। ठीक, सुधा बोल रही है ना अपने सहेली से कि मेरे सगे भाई के दादा, तो मेरे सगे भाई सुधा के सगे भाई होंगे यहां पे। देखो वो कौन होगा, मेरे वाले पे वन आएगा, सगे भाई वाले पे दो दे दो, इनके सगा भाई हो गया दो नंबर वाला कैंडिडेट। के दादा, दादा मतलब इसके दादा मतलब इसके यहां पे पिता होंगे। ठीक, उसके बाद से उनके पिता, तो ये दादा हो जाएंगे, ये कौन सा नंबर हो जाएगा, ये तीसरा नंबर हो जाएगा, ये तीसरे नंबर वाले होंगे। ठीक, दादा को मैंने तीसरा नंबर यहां दिया है। के इकलौते पुत्र, इकलौते पुत्र मतलब दादा के इकलौते पुत्र उसके पिता ही होंगे ये कैंडिडेट, जिसका नंबरिंग क्या है, चार। के इकलौते पुत्र हैं, तो बताइए कि सुधा, अब ये जो चार है वो कौन है, ये वही है जिसके बारे में बात किया जा रहा है, वह कौन है, राहुल। ठीक, बोला ना सुधा राहुल के बारे में अपनी एक सहेली से कहती है कि वह किसके लिए आया, राहुल के लिए आया, कि मेरे सगे भाई के दादा के इकलौते पुत्र हैं, इकलौते पुत्र मतलब खुद ही उसी के क्या हैं, पिता हैं, तो ये कौन हुआ, राहुल हुआ। ठीक है, चौथा नंबर कौन हुआ, राहुल हुआ। तो वही आपसे पूछ रहा है, तो बताइए कि सुधा राहुल से किस प्रकार संबंधित है, सुधा जो है वो राहुल से किस प्रकार संबंधित है। तो आप क्या बताओगे इसका आंसर, कि सुधा जो है राहुल की क्या है, सुधा जो राहुल की क्या है, पुत्री है। क्या है, पुत्री है। ठीक, सुधा जो है वो राहुल की क्या है, पुत्री है। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, तो यहां पे ये ध्यान रखना कि आपको ट्री कैसे बनाना, जैसे इसने बोला मैंने, या तो आप ऐसे बना लो, मेरे सगे भाई सुधा बनाए, उसके सगे भाई यहां लिखे, के दादा मतलब उनके पिता के पिता, के इकलौते पुत्र मतलब यही वाला सर्कल ही वो है, कौन, राहुल है, तो यहां राहुल दे दिए। तो अब पूछ रहा है कि सुधा का राहुल से क्या संबंध है, तो सुधा क्या है, उनकी बेटी है। ठीक है, पुत्री है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। बोला एक औरत एक व्यक्ति से कहती है, एक औरत
एक व्यक्ति से कहती है कि तुम्हारी इकलौती बहन की पुत्री मेरे पति के बहन है, ठीक है, मेरे पति की बहन है, तब व्यक्ति की बहन और औरत पे क्या संबंध है, ये आपको बताना है। देखो सिंपल सा है, बोला एक औरत एक व्यक्ति से कहती है, व्यक्ति को कह रही है कि तुम्हारी इकलौती बहन की पुत्री, ठीक है, ये ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे बोला एक औरत है, ठीक, एक औरत एक व्यक्ति से कहती है कि तुम्हारी इकलौती बहन की पुत्री, व्यक्ति के बारे में कह रही है, तो उस व्यक्ति की क्या, तुम्हारी इकलौती बहन की पुत्री, इसकी इकलौती बहन की पुत्री, ये लो की पुत्री, ठीक, पुत्री मेरे पति की बहन है, किसके, मेरे पति मतलब उस जो आपकी कौन औरत है जो बोल रही है ये बात, जो औरत बोल रही है वो बोल रही है उस व्यक्ति की जो बहन है उसकी पुत्री मेरे पति के, ठीक है, मेरे पति के, ठीक, क्या है वो, मेरे पति की बहन है, इसकी क्या है, बहन है, यहां माइनस साइन लगा दो, ये प्लस है ये माइनस होगा, ये डायग्राम बनेगा जब आप डायग्राम बनाओगे तो। जैसे जैसे इसने बोला बोला कि एक औरत एक व्यक्ति से कहती है कि तुम्हारी इकलौती बहन, मतलब व्यक्ति की इकलौती बहन की पुत्री मेरे पति, मतलब औरत के जो पति हैं उनकी क्या है, बहन है। तो अब पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में कि वह व्यक्ति का, व्यक्ति की बहन और औरत में क्या संबंध है, ये इनडायरेक्ट वाला होता है, इनडायरेक्ट वाला पार्ट होता है, इसमें किसी और से रिलेशन पूछा जाता है। जैसे पूछा ना व्यक्ति की बहन और औरत का क्या संबंध है, इससे और इसका संबंध पूछ रहा है कि क्या है, व्यक्ति की बहन और औरत का क्या संबंध है ये पूछ रहा है। तो ये देखो, ये इनके पति हो गए, पति की ये बहन हो गए, ठीक, तो ये दोनों लोग एक जनरेशन के हैं, इनकी माता ये हैं, ठीक है, ये इनकी माता है और ये मैरिड कपल हैं कहीं ना कहीं, तो ये इनकी पुत्री, ये इनके बेटे, और ये बेटे की क्या है, बेटे की वाइफ है, तो इसका मतलब इसकी क्या हुई, ये आपकी वधू हुई, ठीक है, पुत्र की आपकी क्या है, वाइफ है, तो ये क्या कहलाएगी, पुत्र वधू कहलाएगी इसकी, इस वाले की, क्योंकि इसके ही तो ये पुत्र हैं, तो इन्हीं की जो है वाइफ है, तो ये पुत्र वधू कहलाएंगी। और इसके रिस्पेक्ट में देखें तो ये औरत जो है, ठीक है, ये वाली जो बहन है उसकी, व्यक्ति की जो औरत है वो क्या कहलाएंगी, इनकी सास कहलाएंगी। तो आपका क्या होगा इसका आंसर, देखो इसमें पूछा क्या है, व्यक्ति की बहन और औरत में क्या संबंध है, तो व्यक्ति की जो बहन है वो औरत की क्या है, सास है, क्या है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सास है, ठीक। तो ये डायग्राम बना लेना, कंफ्यूज ना होना। देखो ये औरत वो है जो, जिसने ये बात कही, ये उनके पति हैं, और ये जो उस व्यक्ति के बारे में जो उसने कहा है कि औरत ने कि व्यक्ति की बहन की पुत्री जो है मेरे पति की क्या है, बहन है, ठीक, तो ये इनकी क्या हो जाएंगी, ये जो है व्यक्ति की जो बहन होंगी वो औरत की क्या होंगी, सास होंगी। यही था इसमें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बोलना है एक औरत की ओर संकेत करते हुए एक आदमी कहता है कि उसके इकलौते भाई का बेटा, ठीक है, मेरे पत्नी का भाई है, तो बताइए कि औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। एकदम जैसे जैसे बोला वैसे वैसे ट्री बना लो। एक औरत की ओर संकेत करते हुए एक आदमी कहता है, किसी औरत की तरफ संकेत करके आदमी कह रहा है कि उसके इकलौते भाई, किसके, उसके इकलौते भाई का बेटा, उस औरत के बारे में बात हो रहा है यहां पे, उसी के बारे में कहा जा रहा है ना। देखो औरत की ओर संकेत करते हुए एक आदमी कहता है कि उसके इकलौते भाई, किसके मतलब औरत के इकलौते भाई, औरत के इकलौते भाई हो गया ये, का बेटा, इकलौते भाई का बेटा, ये लो का बेटा मेरी पत्नी का भाई है, ठीक है,
इकलौते भाई का बेटा मेरे पत्नी का, मतलब उस व्यक्ति के, जो व्यक्ति ये आदमी जो ये बोल रहा है, ठीक है, ये आदमी जो इसके जो है क्या पत्नी का, यही तो बोल रहा है, मेरे पत्नी का भाई है, इसके जो पत्नी है उसका क्या है, ये भाई है। ये आपका डायग्राम बनेगा। अब इस डायग्राम में अब ये देख लो कि किससे क्या रिलेशन पूछा है। सिंपल सा, जैसे जैसे आपका क्वेश्चन बोला वैसे हमने डायग्राम बना दिया। बोला एक औरत की ओर संकेत करते हुए आदमी कहता है, ये आदमी कह रहा है कि उसके इकलौते, उस औरत के इकलौते भाई का बेटा जो है वो उस आदमी की बीवी का क्या है, भाई है। ठीक, तो अब देख लेते हैं इस डायग्राम से क्या आपका रिलेशन निकलता है। पूछा किससे है, तो बताइए औरत का उस व्यक्ति से किस प्रकार का संबंध है, इस औरत का इस व्यक्ति से किस प्रकार का संबंध पूछा है, तो देख लेते हैं। देखो ये औरत का भाई है, ये उसका बेटा है, एक जनरेशन नीचे आए, और इस बेटे का जो है ये क्या है, कौन है, बहन है। ठीक है, इस बेटे की बहन है ये, तो ये जो है ये आदमी जो है, ठीक, ये इसकी वाइफ है, और वाइफ का ये भाई है, तो ये साला होगा। ठीक, ये साला होगा, और ये इसकी वाइफ है, ये वाला पता नहीं हमें, जो भी होगा यहाँ पे कैंडिडेट, उसके ये क्या होंगे, ठीक, उसका जो एक है ये वाला जो होगा वो पिताश्री होंगे। ठीक, ये पिताश्री हैं, ये इंसान इसके वाइफ के पिता हैं, तो पिता की ये क्या है, बहन है ये औरत। तो हम क्या कर सकते हैं, ये रिलेशन क्या निकला, ये निकला कि इसके तो क्या हुए, ये आपके, इसके आपके पिता हुए और उसके पिता के बहन हुए, तो उस आदमी से रिलेशन पूछ रहा है, इस आदमी से, ये जो आदमी है, तो इस आदमी के ये क्या होंगे, ससुर तो होंगे। देखो ये आदमी की जो है वाइफ है, और इस इसके वाइफ के ये जो है पिताश्री है, इसके वाइफ के पिताश्री इस आदमी के क्या कहलाएंगे, ससुर कहलाएंगे। तो ये तो होगा भैया इसके ससुर, और ससुर की ये कौन है, ये औरत, बहन। तो हम क्या कहेंगे रिलेशन, कि ससुर की बहन, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखना ध्यान से, क्योंकि इसमें मैं बॉक्स में जो लिखा हूं उसमें मत घबराना कि यहां औरत, यहां भाई, यहां बेटा। मेनली आपको देखना ये है कि ये आदमी है, ये उसकी वाइफ है। ठीक, वाइफ का ये जनरेशन ऊपर है, तो वाइफ के जनरेशन का ये ऊपर, इसका मतलब इन दोनों के ये क्या होंगे, पिताश्री वाला और मदरश्री वाला जो है जनरेशन होगा। तो इसलिए इसके जो होंगे ये पिता होंगे, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन लगा है। तो इसके इसके वाइफ के पिता इसके क्या कहलाएंगे, ससुर कहलाएंगे, और ये औरत क्या है, उसकी बहन है, तो ये क्या हो जाएगी, ससुर की बहन हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ससुर का बहन हो जाएगा। ठीक, आगे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जैकपॉट क्वेश्चन है आज का, इसे आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करके कमेंट में आंसर देना है। यह आपका आज का जैकपॉट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आज जितना मैंने टाइप पढ़ाया, टाइप वन और टाइप टू की, आपका पजल वाला फॉर्म और कौन सा, पॉइंटिंग वाला फॉर्म, दोनों मैंने पढ़ा दिया। तीसरा अगले सेशन में हम स्टार्ट करेंगे कौन सा, कोडेड ब्लड रिलेशन फॉर्म, उससे आपका एक क्वेश्चन हमेशा यूपी ट्रिपल एससी में फिक्स है। तो सभी लोग इसका जो आंसर है आप लोग जैकपॉट का कमेंट में जरूर देना। ठीक, तो मिलते हैं अगले सेशन में जहां हम आपको टाइप थ्री पढ़ाएंगे। तब तक सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल पर जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर